तो गाइज क्या आपको लीप ईयर की एग्जैक्ट डेफिनेशन पता है? आप जरूर ही ये सोचते होंगे कि जो साल 4 से डिवाइड हो उसे लीप ईयर कहते हैं, पर ये पूरा सच नहीं है। आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल डार्क एंड डीप फैक्ट्स पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दीजिए ताकि आपकी नॉलेज कम समय में हर रोज बढ़ती रहे। दोस्तों, जो साल 4 से डिवाइड होता है उसे लीप ईयर कहते हैं, पर इस स्टेटमेंट में एक एरर है। फॉर एग्जाम्पल सन 1900, ये साल 4 से डिवाइड होता है पर ये एक लीप ईयर नहीं है। इस एरर को ठीक करने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर्स ने एक फॉर्मूला निकाला है जिसके अंदर जो साल 100 से डिवाइड होता है उसे 400 से भी डिवाइड होना पड़ेगा तभी वो लीप ईयर कहलाएगा। जैसे 1900 100 से डिवाइड होता है पर ये 400 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए इसे लीप ईयर नहीं माना जाएगा। तो अगर आपको हमारी ये इंफॉर्मेशन जानकर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।